खूबसूरत प्रिंसेस टियाना अपने प्रिंस के साथ काफी खुश है और अफवाह ये है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। चलो लालीलो पर उनके सभी नए एडवेंचर्स देखें। हाय बन बनाए पीले एथलेटिक फैब्रिक से आउटफिट को सिले, टॉप को काटिंग, पीली ट्यूल ले, इस तरह से फोल्ड्स बनाए और कमर से बांधे। फ्लफी अंडरस्कर्ट तैयार है। पीले कपड़े से स्कर्ट की दूसरी लेयर बनाए। हरे साटन कपड़े पर पत्तियों को आउटलाइन करें। स्कर्ट और टॉप को पत्तियों से कवर कर दें। सफेद और पीले फोम पेपर से फूल बनाए। सजावटी वाइन लें, कमर के आसपास बांधें और फ्लावर शेप बगल के साथ सजा दें। डॉल के पैरों में पीले सैंडल्स डालें। टियाना अपनी नई ड्रेस में खूबसूरत दिख रही है और ये नई फिगर पर एकदम सही से फिट हो गई। ओह, मैं लगभग भूल गई थी, प्रिंसेस के बेबी होने वाला है। टियाना का सपना सच हो गया, अब वो फेमस रेस्टोरेंट चलाती है। डिज्नी प्रिंसेस उसकी रेगुलर क्लाइंट है। ये डिजर्ट काफी स्वादिष्ट है। एल्सा ने टियाना का बेबी बंप नोटिस किया। बधाई हो हनी, मुझे उम्मीद है कि बच्चे के जन्म के बाद तुम रेस्टोरेंट चलाती रहोगी। मैं चलाऊंगी, रेस्टोरेंट मेरा पैशन है। तुम मेरे खाने के बिना कैसे रहोगी? एक जादुई बॉल बनाए। बेस को चमकदार कार्डबोर्ड की स्ट्रिप से कवर करें। टॉप को ट्वाइन से कवर कर दें। बीच में छोटी बॉल जोड़ें। ये हमें भविष्य देखने में मदद करेगा। बहुत दूर से मिसिसिपी के अंधेरे कोने से पुरानी बोट में बहुत बड़े पेड़ के नीचे मामा ओडी रहती है। 200 साल से ज्यादा की सॉर्सरस, पर फिर भी वो कुछ जादू कर सकती है। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से मंत्र और शाप को दूर कर सकती है जिसे मदद की जरूरत हो। टियाना ने उसे अपना भविष्य जाने में मदद मांगी। आओ देखिए तुम्हें क्या मिला है। क्या तुम्हें यकीन है जूजू? सच में मेरे पालतू सांप ने मुझे कुछ कहा। चिंता मत करो, तुम्हें एक स्वस्थ बेटी होगी। वो रिंगने में और रेप्टाइल्स को समझने में काबिल होगी। तुम्हारी बेटी जल्द ही होने वाली है। शुक्रिया मामा ओडी, शुक्रिया जूजू। कांच की बोतल ली, चमकदार ग्लू से उसे भर दे, उसे कॉक से बंद कर दे, प्रिंटेड लेबल को काटी, बॉटल पर उन्हें ग्लू करें ताकि आप गलती से फ्रॉग पोशन न पी जाएं। चमकीली को छिड़कें और डिब्बे के अंदर रख दें। टियाना और नवीन याद करने का तय करते हैं कि वो जब मेंढक थे तो कितने मजे करते थे। हनी, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बस जादुई पोशन मिला है, चलो इसे एक साथ पीने का ट्राई करें। मैं इसके साथ ठीक हूँ, अब ये सुरक्षित है। कुछ सिप्स के बाद दोनों छोटे मेंढक में बदल गए। लुई द एलिगेटर हमेशा रॉयल कपल को देखकर खुश होता है और वो इन्हें राइड देने में खुश है। सच्चे प्यार की किस पोषण के प्रभाव को तुरंत बदल देती है। हाँ, ये बहुत अच्छा था, तुम सही हो। कितनी रोमांटिक शाम है। साटन कपड़े पर एलिगेटर बनाए। इन दो टुकड़ों को काटें, कोनों को सिल दें। सिंथेटिक स्टफिंग के साथ तकिया भरने के लिए ट्वीजर्स का इस्तेमाल करें। काले एक्रेलिक पेंट से स्लीपी आंखें और मुंह बनाएं। क्या प्यारा स्लीपी चेहरा है। शरीर पर स्केल्स बनाएं। चमकीली को छिड़कें, फिर ज्यादा चमकीली को ब्रश के साथ हटा दें। टियाना सो नहीं पा रही, उसने अपनी दाई ओर सोने की कोशिश की और उसकी बाई ओर, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। काश आखिर मैं सो पाती।
प्रिंस नवीन के पास एक आइडिया है। ये रहा, मैं तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी पिलो लाया हूँ, ये तुम्हें आराम से सोने में मदद करेगा। टियाना ने इसे गले लगाया, इसे दाईं ओर रखकर आराम से सो गई। बढ़िया काम नवीन। चलो मैं तुम्हें बेबी फैनी से मिलाती हूँ, वो फ्रॉग प्रिंसेस है, उसे ऐसे ही अपना परिचय देना पसंद है। हरी फेल्ट से आकृति को आउटलाइन करें, इन्हें काटे, दो टुकड़े सिल दें। हमने वन सी बना दी। चमकदार फोम पेपर से गोला काटे, इसे बेली से ग्लू कर दें। ग्रीन फेल्ट से दो आंखें काटे, आंखों और प्यूपिल्स के सफेद भागों को पेंट करें और हेडबैंड से उन्हें ग्लू करें। हरी आंखें, हरी ब्राउज और फ्रॉग इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। किसी और प्रिंसेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेन स्कर्ट्स का जमाना चला गया। आजकल यूनिक होना काफी ट्रेंड में है। बच्चे ने घोड़े की सवारी की फेरी से बात की और खूब मस्ती की। मॉम ने अपने बेबी को सरप्राइज करने का रास्ता ढूंढ लिया। यहाँ तुम्हारे लिए तोहफा है, एक असली फ्रॉग। वादा करो कि तुम इसकी देखभाल करोगी। ये अब फैनी का एक नया दोस्त है। पुरानी चीज कंटेनर से क्रिप बनाएं। हरे एक्रेलिक पेंट के लेयर से कंटेनर को कवर करें। चलो पेंट सूखने दो। साधारण ट्वाइन से क्रिप को ढकें। मॉस को साइड से ग्लू करें। सजावटी लिलीज को जोड़ें। बेंड बादलों की तरह नरम होने चाहिए। बॉटम को सिंथेटिक स्टफिंग के साथ ढक दें। हरे फेल्ट को इसके ऊपर रखें। वुडन स्कीवर को हरा पेंट करें। तीन स्कीवर को क्रॉस करें। अटैचमेंट पॉइंट्स को ग्रीनरी के साथ ढक दें। नीचे की तरफ वाइन से सजा दें। बीच में पालना रखें और इसे सुरक्षित करें। इस तरह का पालना पानी में भी तैर सकता है। टियाना और बेबी एक आरामदायक महल में रहते हैं। तुम अपने नए पालने में गर्म और आरामदायक महसूस करोगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को बस अच्छे सपने आएंगे। गुड नाइट। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो कहना क्रोक। एक फ्लोरल वायर पर स्टोन्स के साथ क्लियर बॉल्स को स्ट्रिंग करें। जब तुमने कम से कम 3 लगा दिए तो उसे आर्च पर टांगे। बढ़िया काम। चमकदार फोम पेपर से बड़ी लीफ काटें। मैट और आर्च को जोड़ें। सीक्वेंट रिबन के अंदर तार को छिपाएं। मार्कर के साथ कुछ टेक्सचर जोड़ें। तार पर बीन्स, लेडीबग और तितलियों को टांग दें। ये फैनी के पसंदीदा इंसेक्ट्स हैं। अपने लंच के मजे लो। मैं मजाक कर रही हूँ। पेंडेंट स्वादिष्ट दिख रहे हैं, पर मैं उन्हें खाने की सलाह नहीं देती। चलो बेबी बात बनाए। इसे ब्लू पेंट करें। गुलाबी चमकदार फोम पेपर से वाटर लिलीज काटें। बाहर कुछ लेयर्स को ग्लू करें। बॉटम पर पत्तियां जोड़ें। एक अच्छा ग्रेडियंट बनाने के लिए फ्लावर पेटल्स के एंड्स को सफेद पेंट करें, साइड्स को सफेद पेंट करें। मैंने पहली बार इतनी बड़ी वाटर लिली देखी है। ये शानदार बाथटब है। फैनी, ये नहाने का समय है। बचपन से ही उसे पानी बहुत पसंद है। ये दूसरे नेचर की तरह है। थोड़ा पानी डालें, वाटर लिलीज और तुम्हारा पसंदीदा फ्रॉग नहाने के समय को मजेदार खेल में बदल देगा। हरे कपड़े को टॉवल में बदल दें। साइड्स पर फ्लैप्स जोड़ें। उन्हें पॉम-पॉम रिबन से सजाएं। फोम पेपर से दो गोले काटें। ये मेंढक की आंखें हैं। इन प्यारी ब्लशिंग चीक्स को देखो। बेबी अच्छे से टॉवल में फिट हो रही है। नहाने के बाद तुम्हें खुद को अच्छे से लपेटने की जरूरत है। तुम्हें सूखने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। दुनिया भर की सारी खुशियां मेरे हाथों में है। कांच की बोतल को सफेद वाटर डाई से भर दें। बोतल को क्ले से बंद करें।
निपल बनाने के लिए हॉट ग्लू इस्तेमाल करें। रीड्स के पिक्चर और फोम पेपर फ्लावर के साथ ऊपर से सजा दें। बेबी, ये डिनर का समय है, मुझे उम्मीद है कि तुम भूखी होगी। फ्रॉग बेबी को अपनी बॉटल से दूध पीना बहुत पसंद है। हमारी वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।